नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरें विस्तार से। तकरीबन रात 1 बजे ग्राम खडौरा में नाले के पास पलटी बस, पुलिस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ब्रेक फेल होने के बावजूद भी ड्राइवर की होशियारी के कारण बहुत बड़ा हादसा होते होते टला, फिर भी यात्रियों को चोट आई है। सिगरौली से अग्रवाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश व सेवा THDC के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को सर्वहारा नगर में वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 335 मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण व उपचार कराया। इस दौरान रोगियों को निःशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर अपने संदेश में एम्स निर्देशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत ने कहा है कि संस्थान स्वास्थ्य सुविधाओं से विहीन इलाकों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को कृत संकल्पित है। संस्थान के आउटरीच सेल की ओर से नगर व समीपवर्ती विभिन्न मलिन बस्तियों के अलावा पीपल कोटी, नारायण कोटी, टिहरी कोटेश्वर, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर आदि क्षेत्रों में नियमित तौर पर स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य शिविर में सर्वाधिक मधुमेह, जोड़ों के दर्द व चर्म रोगों से जुड़े मरीज आए। इस दौरान रोगियों को स्वच्छता की ओर विशेष ध्यान देने के लिए जागरूक किया गया। नवादा विधानसभा चुनाव में NDA प्रत्याशी कौशल यादव ने किया रोड शो। नवादा वासियों के द्वारा जगह जगह फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया गया। पूर्व जिला पार्षद महेंद्र सिंह जनता को संबोधित करते हुए कहा कि एक ऐतिहासिक रैली हो और इन्हें गिनीज बुक में नाम दर्ज किया जाए। आज माननीय पूर्व विधायक कौशल यादव जदयू उम्मीदवार नवादा विधानसभा क्षेत्र से संकट मोचन मंदिर जलाल बुखारी मजार पर से उनका रोड शो होगा, जो कि मेन रामनगर मेन बाजार होते हुए गोला रोड, इंदिरा चौक, स्टेशन रोड, कलाली रोड, पुरानी बाजार होते हुए अंसार नगर, सद्भावना चौक, भदौनी तक ले इनका रोड शो होगा। नवादा की जनता से अपील करता हूँ, यह रोड शो एक ऐतिहासिक रोड शो हो, जो कि इनका नाम गिनीज बुक में जाए। जिले में लोकसभा चुनाव के महागठबंधन प्रत्याशी विभा देवी की रोड शो में हजारों की भीड़ देखकर विरोधी खेमा पस्त होते दिख रहा है। विभा देवी के रोड शो में उमड़ा नवादा वासी, विधानसभा उपचुनाव लड़ रहे महागठबंधन प्रत्याशी धीरेंद्र मुन्ना ने भी विभा देवी के साथ साथ किया रोड शो। विभा देवी का मौसम ने भी जमकर साथ दिया। लोकसभा चुनाव के महागठबंधन प्रत्याशी विभा देवी और विधानसभा उपचुनाव महागठबंधन प्रत्याशी धीरेंद्र मुन्ना ने हाथ जोड़कर मतदाताओं से मांगे वोट। अब हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव। नमस्कार।